Hi everyone, this is Ibrahim Shah with you again. और आज हम कुछ बेसिक टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ बाइक्स के बारे में है और एग्जैक्टली आप देख रहे हैं बाइक्स के बारे में ही है और वो मैं दो या तीन टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप इजीली अपने बाइक्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं जब आप इंड्योरो राइडिंग आप कर रहे हो और किसी ऐसी जगह पे जब आप फंस जाते हैं जहाँ पे बाइक्स को मोड़ना या हैंडल करना आप लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और बेसिक्स कुछ कुछ ये वो बॉडी के बैलेंसिंग्स हैं और साथ में बॉडी की सस्पेंशन और बाइक की सस्पेंशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने बॉडी को भी आप एज अ सस्पेंशन आप यूज़ कर सकते हैं, अपने टांगों को, हाथों को, एल्बोज वगैरह आप देख रहे हैं ये सारे है कि सारे के सारे सस्पेंशन है। और साथ में आप कुछ क्लच के बारे में भी बताना चाहूँगा कि क्लच को आप इंगेज आप किस तरह से कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर और ये आपके लिए कितने यूजफुल है। सीधे वीडियो आए, आज चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे और जो बाइक के स्टैंड के बारे में है जहाँ पर आप बाइक को आप खड़ा करते हैं और वहाँ पे आपको बाइक मोड़ने में ज़रा मुश्किल होती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बाइक को अगर खड़ा कर लेते हैं किसी जगह पे और वो सोचते हैं कि बाइक को मैंने यू टर्न मारना घुमाना है, तो वो आगे जाते हैं पीछे जाते हैं। ये काम करने से बेहतर ये है कि इजी वे आपको बताऊं, स्टैंड लगा लिया आप लोगों ने और हैंडल इस तरफ की, ठीक है, विथ योर लेफ्ट हैंड हैंडल आपने यहाँ से पकड़ा और विथ योर राइट हैंड इसके आपने टेल को पकड़ा। बाइक को आप उठाते हैं लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बैक टायर उठेगा। बैक टायर उठा के आपने ये आपकी एंगल होना चाहिए आपकी टांगों का और आपके हाथ का। आप इसको बाइक को उठा लें इस तरह से, हल्का सा जोर लगता है। बाइक को आप जैसे उठाते हैं आपने इसका बैलेंसिंग पॉइंट देखना है कि कहाँ पे ये बैलेंस है, आगे पीछे नहीं जा रहा। इसके बाद हल्का सा आपने घूमना है, ये जिस भी पोजीशन में आपने इसको घुमाना है इट्स सो इजी। सो एवरीवन कैन जस्ट ट्राई दिस एंड व्हेनेवर यू वांट टू ट्राई दिस यू कैन जस्ट डू दिस। आइए चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, तो बात करते हैं क्लच के बारे में। हमेशा आप जब भी आप राइडिंग करते हैं तो क्लच आप, कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा हुआ है जो पूरे उंगलियों के साथ क्लच दबा रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप पूरी उंगलियों के साथ आप क्लच दबा रहे होते हैं तो किसी जगह पे आप अगर इंड्योरो राइडिंग आप अगर कर रहे हो, किसी पत्थर के साथ आपका टायर लगता है या कुछ इस तरह, तो हमेशा क्या होता है कि आपका हाथ आपके हाथ से क्लच वगैरह छूट जाता है और आप गोइंग लाइक सो फार, यू नो, लाइक इफ़ यू आर राइडिंग लाइक अ ट्रेल बाइक। सो होता हमेशा ये है कि दो चीज़ें आपने करनी है, या तो आपने ये फिंगर यूज़ करनी है या तो आपने ये फिंगर यूज़ करनी है, ठीक है। तो क्योंकि हमेशा या आपने ये वाली फिंगर यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपके क्लच पे, वो आपके डिपेंड करता है कि क्लच की आपने सेटिंग आपने कहाँ पे की है, ठीक है। और क्लच की सेटिंग तो जाहिर सी बात आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये फिंगर यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप हमेशा ग्रिप आपके हाथों में होती है, क्योंकि आप एक उंगली से या ये दो उंगलियों से आप कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, या इन तीन उंगलियों से आप नहीं यानी कि कंट्रोल आप कर सकते बाइक को। आपको ये चार उंगलियां चाहिए ताकि आप कंट्रोल आप कर सकें बाइक को, ठीक है। तो ये इस उंगली के साथ आप कर सकते हैं और या आप अपनी सेंटर वाली वो मिडिल फिंगर आप यूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये खासकर ये जो मिडिल फिंगर है ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं रेसिंग में, जब मोटोक्रॉस की रेसिंग्स होती है या ये इंड्योरो की रेसिंग्स होती हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा ताकत चाहिए होती है बाइक को कंट्रोल करने के लिए। तो वो फिर आपकी ये चार उंगलियां इतनी कंट्रोल नहीं कर सकती जितनी कि ये चार उंगलियां आपकी ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये जो दो उंगलियाँ हैं इसमें जो ताकत है आई डोंट थिंक सो कि वो आपकी दूसरी उंगलियों में है, तो इससे ज़्यादा आपका कंट्रोल होता है। तो ये मिडिल फिंगर भी आप इसमें यूज़ आप इसमें कर सकते हो। मेरे उस मिडिल फिंगर को रॉन्ग मत लीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ राइट। सो आप अपनी मिडिल फिंगर भी आप यूज़ आप कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ वीडियोस में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको आप कंट्रोल में आप इसको रख सकते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक उंगली के साथ चलाने का क्या फ़ायदा होता है और चार उंगलियों के साथ क्लच को हैंडल करने का क्या डिसएडवांटेज है। तो देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और एक उंगली के साथ चला के आप बाइक को आप कितना कंट्रोल आप कर सकते हैं ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
एक उंगली का कि आप कितनी इजीली आप उसको कंट्रोल आप कर सकते हैं। एक उंगली के साथ आप क्लच आप यूज कर रहे हो और बाकी चार उंगलियों के साथ आपने हैंडल को आपने पकड़ा होता है। अगर यही काम मैं अगर करूं अपने चार चार उंगलियों के साथ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि देखें कि मेरे सिर्फ ये एक उंगली के साथ मैं इसको किस तरह से हैंडल मैं इसको करूंगा। तो आए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाइक को न्यूट्रल कर लूँ पहले, देखिए मैं अब इसको चारों उंगली के साथ कर रहा हूँ। मुश्किल है। तो मैं हमेशा आप लोग को यही प्रेफर करूंगा जिस तरह से मैं राइडिंग करता हूं, और होपफुली आप लोगों को मेरी राइडिंग की ये जो टिप्स हैं आपको अच्छे लगे। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आप एक उंगली के साथ जब आप स्पीड पे आते हैं तो स्पीड में आप उसको किस तरह से आप उसको हैंडल आप उसको करेंगे। थर्ड टॉपिक पे जो है सस्पेंशन, एक तो होती है आपकी बाइक की सस्पेंशन और एक होती है राइडर की सस्पेंशन। ठीक है, जो आपकी बाइक की सस्पेंशन है वो तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ दो ही आपके सस्पेंशन है, एक बैक और एक फ्रंट की। ठीक है, और जहाँ पे बाइक की सस्पेंशन खत्म हो जाती है वहाँ पे राइडर पे अपनी सस्पेंशन यूज करता है। ठीक है, अब जैसे कि आपके एल्बोज हो गए हैं, आपके नी हो गए हैं, आपके हिप हैं और आपके एंकल हैं। ठीक है, तो ये है आपकी सस्पेंशन जो आप बाइक्स पे अपनी यूज कर सकते हैं। किसी जगह पे आप जब अपनी इंडियोर राइडिंग आप अपनी करते हैं, ठीक है, तो किसी जगह पे आपकी बाइक के सस्पेंशन खत्म हो जाते हैं, किसी ऐसे खड्डे पे जाके लगती हैं, कोई ओवर स्पीड में आप जा रहे हैं किसी खड्डे पे लग जाती है। अगर आप अगर बैठे होते हैं तो पिछला टायर आपका अगर सस्पेंशन अगर उसकी सस्पेंशन खत्म हो जाती है, आप अगर किसी भी अगर खड्डे पे आप अगर लगते हैं सस्पेंशन उसकी खत्म हो जाती है, तो फिर वो पेन आता है आपकी बैक पे। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि सामने कोई खड्डा वगैरह है कोई इस तरह का है, तो आप हमेशा बाइक पे आप खड़े हो जाया करें, और खड़े होके आपके जो नी है वो आपकी सस्पेंशन वो आपकी बन जाते हैं, आपकी जो एंकल है वो आपकी सस्पेंशन बन जाते हैं, आपकी जो हिप है वो आपकी सस्पेंशन बन जाती है, और जो आपके हाथ हैं वो भी आपके फ्रंट शाखों के लिए वो भी आपके काम आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको अभी कुछ मैं आपको ऑफ रोडिंग में आपको मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने एंकल और आप अपने नी हिप और आप अपने एल्बोज को आप यूज अप कर सकते हैं। तो ये थी हाँ आज की हमारी वीडियो, जो सिंपल शॉर्ट सी वीडियो थी, शायद आप लोगों को ये मिनट्स में ज़रा ज़्यादा लगे, मैं ज़रा बोलता भी ज़रा ज़्यादा हूँ। और तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो जो हमारे तीन टॉपिक्स थे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें, कहीं और है तो पीछे आ जाए हमारे। तो मिलते हैं इन माई नेक्स्ट वीडियो, और हाँ वो बेल का बटन जरूर दबाइएगा, बेल का बटन ये नीचे ही होगा, ठीक है, देख लीजिएगा कहीं पे, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए फिर टाटा, सलाम अलैकुम, बाय बाय, ओके।